एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज पर्पल मेकअप हॉल। पर्पल पे रिसेंटली ना सेल लगी हुई थी और मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है, स्पेशली मेकअप। तो मैं आज उन सारे मेकअप आइटम्स को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ प्राइमर। मैंने NYB का 4-in-1 ब्राइटनिंग प्राइमर खरीदा है इस बार, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अच्छे खासे रिव्यूज सुने थे इस प्राइमर के बारे में और मैंने इस प्राइमर को 3-4 बार इस्तेमाल किया है एंड आई जस्ट लव दिस प्राइमर। क्योंकि जितनी भी प्राइमर्स मैंने इससे पहले इस्तेमाल किए थे एक्सेप्ट द मेबलिन वन, सारे प्राइमर्स मेरे फेस को ना ड्राई आउट कर देता है, बट दिस इज़ द ओनली प्राइमर आफ्टर यूजिंग द मेबलिन, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। प्राइमर आपको सिर्फ अपने पोर्स के ऊपर, ओपन पोर्स जहाँ पर है वहाँ पर अप्लाई करना है, जैसे नोज के चारों ओर और अपने चिन एरिया पर मैं इस्तेमाल करती हूँ और हल्का सा यहाँ पे चीक्स पर इस्तेमाल करती हूँ, और बिल्कुल भी ये ड्राई पैचेस नहीं छोड़ता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ये एक ब्राइटनिंग प्राइमर है, इसमें ना थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी है। नेक्स्ट NYB स्ट्रोब क्रीम मुझे परचेस करना ही था क्योंकि ये मेरा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने मेरे कितने सारे शॉर्ट्स वीडियो में देखा है मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, और इस पे ना एक स्टेन भी लगा हुआ है ऊपर। ये एक्चुअली फाउंडेशन का स्टेन है, क्योंकि मैं NYB का जो फाउंडेशन है उसके साथ स्ट्रोब क्रीम को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, एकदम रेडिएंट वाला उस लुक के लिए। इसीलिए मैंने ये नया वाला अभी ऑर्डर किया है। इसका शेड है पिंक टोपाज, इसमें गोल्डन भी है और एक रोज गोल्ड भी है, लेकिन मुझे पिंक टोपाज वाला अच्छा है। हालांकि गोल्डन वाला भी मैंने ऑर्डर किया है, वो बहुत ही जल्द मुझे डिलीवर हो जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आप लोगों के साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी। अनादर स्ट्रोब क्रीम फ्रॉम NYB, ये NYB प्रो स्ट्रोब क्रीम ही है, लेकिन ये 3-in-1 है, जैसे इसमें हाइलाइटर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, सारे बेनिफिट्स है। तो मुझे जैसे ये वाला बहुत ही पसंद आया था इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखने के लिए, इसको भी मैंने 3-4 बार इस्तेमाल किया है, एकदम सेम जैसे स्ट्रोब क्रीम है वैसा ही है, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो आई थिंक अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ इल्यूमिनेशन भी चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने NYB का फाउंडेशन परचेज किया है, और NYB 3-in-1 फाउंडेशन एकदम नेचुरल फिनिश देगा, शीयर टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है। 3-in-1 फाउंडेशन है, इसमें प्राइमर, फाउंडेशन और सिरम तीनों के बेनिफिट्स है। तो कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं ना कि फेस पर ड्राई पैचेस आ जाते हैं, एकदम ड्राई कर देता है फेस, ये बिल्कुल भी वैसा है नहीं। तो एवरीडे बेसिस के लिए अच्छा है। अगर पार्टी मेकअप आप चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई करने के बाद आपको एक हाई कवरेज कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं वही करती हूँ, इसे अप्लाई करती हूँ, इससे फेस एकदम नेचुरल लगता है, उसके ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ। आपने मेरे ट्यूटोरियल्स पे, शॉर्ट्स वीडियोस पे देखा ही होगा मैं किस तरह से इस फाउंडेशन को इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड मुझे ये फाउंडेशन पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, एंड मेरा शेड है 12, वार्म पर्ल मेरा शेड है। स्पीकिंग ऑफ फाउंडेशंस, मैंने फेसेस कैनेडा का ऑल डे हाइड्रो मैट फाउंडेशन फिर से ऑर्डर किया है। ये भी मेरा कल्ट फेवरेट एक फाउंडेशन बन चुका है, क्योंकि इससे भी ना एक इल्यूमिनेशन इफेक्ट आता है, और अगर आप हाई कवरेज कुछ फाउंडेशन चाहते हैं, मीडियम टू हाई कवरेज, देन दिस विल बी परफेक्ट। बट हाँ, ये अफोर्डेबल साइड में है, ये इससे थोड़ा सा प्राइसी है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आप मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन चाहते हैं फ्रॉम अ वेरी गुड ब्रांड। एट द सेम टाइम आप हल्का सा ग्लो भी चाहते हैं अपने फेस पर, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड फाउंडेशन। फेसेस कैनेडा स्ट्रोब क्रीम्स भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये सिल्वर है और ये है रोज गोल्ड, दोनों शेड्स में ही आते हैं मेरे पास, मैंने दोनों ही शेड्स ऑर्डर किया है। सिल्वर वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फॉर बॉडी हाइलाइटिंग। अगर आप बॉडी कॉन ड्रेसेस पहन रहे हैं या फिर इन जनरल कुछ भी ड्रेसेस, स्कर्ट्स वगैरह पहन रहे हैं अपनी कॉलर बोन्स को हाईलाइट करने के लिए, लेग्स को हाईलाइट करने के लिए, एकदम ग्लॉसी और एकदम हेल्दी स्किन दिखाने के लिए, दिस इज़ जस्ट परफेक्ट। और एकदम पार्टी टाइप्स कुछ अगर आप हाइलाइटिंग चाहते हैं तो ये रोज गोल्ड वाला परफेक्ट है, लेकिन पर्सनली मुझे ये सिल्वर वाला ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली फॉर बॉडी हाइलाइटिंग। फेसेस कनाडा का एक न्यू लॉन्च
मुझे दिखा पर्पल पे, तो उसे भी मैंने परचेस किया है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर किया है, आप उस वीडियो को, उस शॉर्ट्स वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये फेसेस कैनेडा का टिंटेड मॉइस्चराइजर है। तो इस तरीके के ना, जो भी नेचुरल फाउंडेशंस, जो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मुझे नेचुरल मेकअप ज़्यादा पसंद आता है। आजकल वही ट्रेंड में भी है, सारे सेलिब्रिटीज़, आप लोग नोटिस कर सकते हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ ही नेचुरल मेकअप पसंद करते हैं। स्किन शुड लुक लाइक स्किन, तो वही फंडा मेरा भी है, ये उसके लिए एकदम परफेक्ट है। बट हाँ, इसमें ना फ्रेग्रेंस है, तो बीवेयर ऑफ दैट। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है टू सर्टन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, देन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, एकदम फ्लोरल काइंड ऑफ एक फ्रेग्रेंस। एनवाईबी का जो ब्लैक काजल है, मैं उसे ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने वाइट वाला काजल ऑर्डर किया है, क्योंकि कुछ मेकअप लुक्स मैं ट्राई करने वाली हूँ जिसमें मुझे एक वाइट काजल चाहिए था। सो फॉर दैट पर्पज़ ओनली मैंने इसे ऑर्डर किया है। एंड जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, एक स्वाइप में इतना अच्छा पिगमेंटेशन ये प्रोवाइड करता है। एनवाईबे के द बिग एप्पल ऑफ माई आई, जो कोल काजल्स है ना, दे आर जस्ट अमेजिंग, अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा काजल है। स्विस ब्यूटी के ये जो लिप एंड चिक मैकरॉन है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम पिंक, प्रिटी पिंक कलर है। इसका शेड है एप्पल पाई, 03 एप्पल पाई ये शेड है, एकदम पिंक कलर है। आई जस्ट लव दिस शेड, और ये इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। आप इसे चीक्स पर भी एज अ ब्लश इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ लिप टिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स जस्ट परफेक्ट। इसमें और भी कई सारे शेड रेंजेस अवेलेबल है, आप पर्पल भी चेक कर सकते हैं। दिस इज रियली गुड। एनवाईबी के ना कुछ ट्रैवल फ्रेंडली बुलेट लिपस्टिक्स आए हैं, तो मैंने कुछ बुलेट लिपस्टिक्स ऑर्डर किया है जो 5-in-1 के पैक पर है। ये वाला है थोड़ा सा न्यूट शेड्स, इसमें सारे न्यूट शेड्स हैं, और ये वाला पिंक एंड रेड में है, तो मुझे दोनों ही चाहिए था, ट्रैवलिंग के लिए एकदम अच्छा है। इसका पैकेजिंग थोड़ा सा फ्लिम्सी है, ये जो कैप है ना, ये हमेशा ओपन हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। एंड द लिपस्टिक्स आर वेरी क्रीमी, तो मैं इसे ना एज अ ब्लश भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें 5 शेड्स है। एक शेड को ब्लश की तरह इस्तेमाल किया, एक को आई शेडो की तरह, और दूसरा शेड को लिपस्टिक की तरह। तो ट्रैवलिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है, और मुझे हमेशा ट्रैवल करना ही पड़ता है, स्पेशली मेरे ऑफिस के जितने भी काम है ना, आउटडोर शूट्स वगैरह, उसके लिए मुझे लिपस्टिक्स तो चाहिए है, लिपस्टिक ब्लश, ये दो चीज़ें मुझे हमेशा ट्रैवल कैरी करना पड़ता है। तो फॉर दैट पर्पस दिस कम्स वेरी हैंडी। फुल मैट अगर आपको चाहिए जो ट्रांसफर प्रूफ और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। ये 4-in-1 का सेट है, इसमें 4 शेड्स है। ये लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह ही है, एकदम छोटे छोटे मिनी लिपस्टिक्स, दीज आर परफेक्ट फॉर ट्रैवल। अगर आप इनके शेड्स वगैरह देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो, मेरे पास जितने भी एनवाईबी के लिपस्टिक्स है उसके ऊपर अलग से स्वॉचेस वीडियो, शेड वीडियो मैं शेयर करूंगी, तो उसमें आप उस वीडियो से आप सबको ज़्यादा हेल्प होगी। इसमें सारे रेड एंड डार्क मरून काइंड ऑफ शेड्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के इस हॉल का प्रोडक्ट है ये फेसेस कैनेडा का लिप प्लम्पिंग लिप ग्लॉस। आजकल लिप ग्लॉस ट्रेंड में है, एंड मैं हमेशा ग्लॉसी लिप्स ही प्रेफर करती हूँ, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ भी टिंगलिंग सेंसेशन लिप्स पर नहीं होती है, बट एकदम लिप्स को फुलर और एकदम प्लम्प लुक देता है। इट लुक्स दैट योर लिप्स आर वेरी हेल्दी। लेट मी शो यू द स्वॉच। इसका कलर इतना प्रिटी है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर है इसका। सो दैट्स इट फॉर टुडेज पर्पल मेकअप हॉल। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेस करना चाहते हैं तो टैग प्रोडक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम पर्पल। वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।